गर्मी का मौसम है, चुनावी मौसम का दौर है और चुनावी सरगर्मी के साथ साथ चुनाव में पैसे को लुटाने का भी जबरदस्त बंदोबस्त है। तभी तो देश के कई अलग अलग हिस्सों से चुनाव आयुक्त और पुलिस अधिकारियों द्वारा लाखों रुपए की बरामदगी की जा रही है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, असम हो या फिर बिहार और झारखंड, चुनाव में नोटों को गर्मी में उड़ती धूल की तरह उड़ाया जा रहा है। महाराष्ट्र के बुलढाणा में पुलिस की नाकाबंदी के दौरान 4,49,000 रुपए की बरामदगी हुई। महाराष्ट्र पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक कार से कैश को बरामद किया। पुलिस के मुताबिक आने वाले 18 अप्रैल को बुलढाणा जिले के अलावा महाराष्ट्र में कई स्थानों पर चुनाव है। वहीं उत्तर प्रदेश के नोएडा के थाना क्षेत्र 58 से पुलिस ने 17,00,000 रुपए कैश बरामद किए। पुलिस के मुताबिक चेकिंग के दौरान एक कार से भारी मात्रा में कैश को बरामद किया गया। वहीं असम पुलिस और चुनाव आयुक्त ने गाड़ी चेकिंग के दौरान 4.85 लाख रुपए कैश बरामद किए। पुलिस के मुताबिक एक मारुति ऑल्टो कार संख्या AS10B1194 से कैश की बरामदगी हुई। अरुणाचल प्रदेश में चुनाव आयुक्त के अधिकारियों द्वारा 3.5 करोड़ रुपए का कैश बरामद किया गया। चुनाव आयुक्त के अनुसार चुनाव में खर्च करने के लिए इतनी भारी मात्रा में कैश ले जाया जा रहा था। वहीं झारखंड में वाहन चेकिंग के दौरान जिला प्रशासन की फ्लाइंग स्क्वाड टीम ने झरिया के इंदिरा चौक पर एक कार से 11,95,000 रुपए बरामद किए। कैश के साथ पुलिस ने गाड़ी चालक और खलासी को भी गिरफ्त में लेकर पूछताछ कर रही है। ललितपुर से पुलिस चेकिंग के दौरान 30,00,000 रुपए की कैश की बरामदगी हुई, जिसके बाद पुलिस और विभागीय अधिकारियों ने पैसों से भरे बैग को कब्जे में लेकर जांच में जुटी हुई है। निर्वाचन कार्य की SST/ST टीमें नियमित रूप से निगरानी कर रही थी। उस निगरानी में आज ललितपुर में एक जगह पे 2-3 व्यक्ति की चेकिंग की गई थी, जिसमें एक व्यक्ति के पास 17,00,000, एक व्यक्ति के पास करीब 3.5 लाख, एक व्यक्ति के पास 11,00,000 रुपये बरामद हुए हैं, जिसको इनकम टैक्स की टीम आ गई और जांच पड़ताल के लिए कार्रवाई की जा रही है। वहीं ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग NH 58 पर देवप्रयाग में चुनाव निगरानी दल ने एक सेंट्रो कार से 58,00,000 रुपए बरामद किए। दिल्ली के केशवपुरम इलाके में इस पुलिस चेक पोस्ट पर चेकिंग के दौरान अलग अलग स्कूटी, बाइक और कार सवार लोगों के पास से करीब 70,00,000 रुपए से ज्यादा कैश बरामद हुआ। हालांकि पुलिस 6 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ में जुटी है। फरीदकोट और रांची से जमशेदपुर जा रही क्रेटा कार से पुलिस ने 10-10,00,000 रुपए कैश बरामद किए हैं। वहीं रांची के पिठोरिया थाना चेक पोस्ट के पास से फॉर्चूनर गाड़ी से 30,00,000 बरामद किया है। रांची के SDM अखिलेश कुमार सिंह ने बताया कि लोकसभा चुनाव को लेकर रांची से बाहर आने जाने वाले हर रास्ते पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान पिठोरिया चेक से एक कार से भारी मात्रा में रकम बरामद की गई। देश के कोने कोने में कैश की बदौलत चुनाव लड़ने की तैयारी है और चुनाव आयोग का आदर्श आचार संहिता लागू है। इस आचार संहिता में जिला प्रशासन ने 50,000 से अधिक की राशि एक साथ लेकर चलने पर रोक लगा रखा है। आखिर सवाल उठता है कि इतनी भारी मात्रा में कैश की खपत चुनाव में क्यों किया जा रहा है? क्या राजनीतिक दल चुनाव में वोट के बदले नोट पर उतर आए हैं?